हेलो फ्रेंड्स, एस हालोकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वंडा सिविक। ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल पी रहा था। गाड़ी हमारा पास आई है और गाड़ी ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा करती थी, कभी कभी बीच में गाड़ी बंद हो जाती थी। क्या प्रॉब्लम है, चलो मिलकर देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है होंडा सिविक IVTEC इंजन। ये गाड़ी में ऑयल लीक हो रहा है और ऑयल ख़त्म हो जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ऑयल का कंडीशन क्या है, दिखाता हूँ। देख सकते हैं ऑयल का कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर कैप में भी देखेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। मैं अंदर से निकल के दिखाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी बहुत गर्म है, फिर भी कोशिश करता हूँ निकल के दिखाने के लिए। देखिए, इससे अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो गया है ऑयल का, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन है। अभी इंजन निकलने वाला है, निकल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा लीक है ऑयल, और गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। अभी स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं इग्निशन ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी एकदम ओके है, लेकिन गाड़ी ओवर हीट हो रहा है और इंजन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। अभी इंजन निकलने वाले हैं, निकल के चेक करेंगे। मीटर में देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी 1,64,823 किलोमीटर चल चुकी है। टाइमिंग चेंज भी चेंज नहीं हुआ है, अभी चेंज करेंगे, पूरा निकल के एक एक करके चेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं रेडिएटर, एसी कंडेंसर, एयर फिल्टर बॉक्स पूरा निकल चुका है। हम लोग देख सकते हैं अभी इंजन को निकलने के लिए वायरिंग पूरा काटेंगे। देखिए कि कैसा पिघल गया है, देख सकते हैं एल्बो वगैरह पूरा पिघल गया है और ऑयल कितना लीक है देख सकते हैं आप लोग। ज़रा अंदर से पूरा ऑयल लीक है, अब पूरा चेक करेंगे एक एक करके। वायरिंग वगैरह पूरा निकल गया हमारा। सिविक का वायरिंग पूरा निकलने के लिए इजी तरीका है, पहले मैनिफोल्ड निकाल देंगे तो इजी निकल सकते हैं। स्टार्टर का पीछे का वायर, ये इंजन का ऑयल स्विच आता है, इंजन में स्टार्टर में वायर लगा हुआ रहता है, जिसके लिए मैनिफोल्ड खोले तो इजी वायरिंग निकल जाता है। पावर स्टीयरिंग पंप भी पीछे आता है, मैनिफोल्ड निकलने के बाद बहुत ईजीली खोल सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं वायरिंग वगैरह पूरा निकल दिया हो, अभी सिर्फ इंजन को पूरा असेंबल बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं कितना ऑयल लीक था, देखो पूरा ऑयल लीक है, पीछे से भी लीक है। खोलने के बाद दिखाता है, इधर पिघल भी गया है। ये सिपाही वगैरह पूरा पहले निकल देना है, या इसका करेंग सेंसर भी यहाँ पर आता है लोकेशन। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे चेन पुली में इंजन चढ़ चुका है, वहाँ पर देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है, कितना ऑयल लीक है चर्सी में देख सकते हैं। पूरा असेंबल इंजन निकल चुका है हम लोग। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना कार्बन जमा हुआ है, देख सकते हैं, इसीलिए ऑयल को जला रहा था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना कचरा है, देख लीजिए राइट राउंड टाइमिंग चेन में भी कैसा कचरा बैठा हुआ है देख सकते हैं। देखिए फुल कार्बन, अभी निकालूंगा, निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं केरिंग से, ये केरिंग सेंसर है, ये कैम सेंसर है, दोनों में कितना कार्बन बैठा हुआ है देख लीजिए। इसकी वजह से गाड़ी में स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम था, देख सकते हैं कभी कभी रनिंग में गाड़ी बंद हो जाता है, देख लीजिए। ये कैम सेंसर है, ये करेंग सेंसर, दोनों 3 पिन का ही आता है,
सकते हैं टाइमिंग चेन में पूरा कार्बन जमा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन है। चेन कवर में देखिए कितना कार्बन जमा हुआ है, देख सकते हैं पूरा सफाई करना पड़ेगा। देखिए इसका पिस्टन का सिलू भी उतर गया, यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्ले है, फुल प्ले है, अंदर सिलू देख सकते हैं पूरा घिस गया है, जिसकी वजह से दोबारा सिलू उतरना पड़ेगा। और थ्रेड गैस कितना देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कूलेंट बराबर टाइम टू टाइम नहीं डालने की वजह से पूरा हेड पिघल गया, देख सकते हैं कितना रेस्टेज हो गया, पिघलने का रास्ते हो गया। और यहाँ पर हेड गैस्केट देख लीजिए कैसा कार्बन जमा हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गाड़ी ओवर हीट हो रहा था, देख सकते हैं। पूरा यहाँ अंदर भी देख लीजिए पूरा कार्बन, कूलेंट पूरा मिट्टी हो गया। आप लोग देख सकते हैं नीचे बैरिंग वगैरह पूरा सही है, लेकिन कार्बन जमा होने की वजह से दोबारा पूरा इंजन वॉश कराना पड़ेगा, तो सीयू भी उतरना पड़ेगा। यह हमारा क्रैंक सेंसर में काम करता है बत्ती। देख सकते हैं होंडा सिविक, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक का सर। और एक खुशखबरी है, हम लोग बहुत जल्दी आसाम में गैरेज खोलने वाले हैं, आसाम गुवाहाटी, बहुत जल्दी आने वाले हैं 5-6 महीने के अंदर।